इंदौर जिले के देपालपुर तहसील में बिजली कर्मचारियों ने एक बार फिर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर ज्ञापन भी भेंट किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लाइनमैन, हेल्पर एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा देपालपुर सुपरवाइजर एवं कार्यपालन यंत्री कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया एवं ज्ञापन दिया गया। सभी कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल पर रहकर समस्त कार्य बंद रखे। साथ ही कर्मचारियों ने मांग की है कि हमें जो समय पर वेतन नहीं मिलता है, इसी के साथ ही नियमितीकरण की भी मांग की है। एंड करो, हमारी हक की सैलरी दो, ठेकेदार हमारी सैलरी खा जाता है। अच्छा, 20-22 हज़ार सैलरी आती है, 8 हज़ार सैलरी मिलती है, 20 आपको देने आए, हमें परमानेंट करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें जब चाहे जब निकाल देते हैं अधिकारी, 8-8 साल से ड्यूटी कर रहे हैं हम। मुझे इस बारे में भी कोई भी सूचना नहीं है। अच्छा, सूचना दी नहीं गई है किसी भी प्रकार की, किस चीज़ की हड़ताल हो रही है, क्या हो रही है, मुझे पता क्यों नहीं पता क्या इनकी मांगे हैं, क्या है, इन्होंने क्या सूचना किसको दी है, मुझे अब तक कुछ भी नहीं पता। बस ये कहना चाहेंगे कि शासन को अगर इन्होंने मांगे रखी है तो शासन स्तर पर देख रही होगी, बाकी अति आवश्यक सेवाओं में विद्युत व्यवस्था आती है तो कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए, किसी भी जनता को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि सभी लोग अपने काम में काम करें और जो भी इनकी मांगे हैं वो शासन स्तर पर सुनवाई हो रही हो। इस बारे में मैं अभी वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार बातचीत करके जो भी निर्देश मिले उसके संबंध में कार्रवाई करूँगा। देपालपुर से संदीप सेन की रिपोर्ट।